Let's break the myth that when you have specs on your eyes, then you can't look elegant. Hey guys, welcome back to my channel Beauty Investigation Department. आज मैं जो मेकअप लुक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है अमेजिंग एलिगेंट मेकअप लुक फॉर चश्मीश गर्ल। सो सबसे पहले मैं यूज कर लूंगी NYB कंसीलर। दिस इज नॉट ओनली कंसीलर एज वेल एज कलर करेक्टर एंड एज वेल एज अ फाउंडेशन स्टिक एंड इट्स सो मच ट्रैवल फ्रेंडली एंड ऑफकोर्स वेरी हैंडी। एंड आई एम ब्लेंडिंग दिस विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर। ये मेकअप लुक बहुत इजी एंड बिगिनर फ्रेंडली है, तो अगर आप बिगिनर हो ये बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, टीनेजर हो फिर भी ट्राई कर सकते हो, किसी भी पार्टी में जाना हो। हम सोचते रहते हैं कि अरे चश्मा के साथ क्या मेकअप करें, मैं भी ये सोचती रहती हूँ क्योंकि मैं भी एक चश्मीश ही हूँ। मेरा पार है -0.75। सो अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों में, जो कि है ब्राउज को फिल करना। चश्मीश गर्ल्स के लिए ब्राउज को फिल करना बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ब्राउ के ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देने होते हैं। सो मैं सिल्वर कलर को अच्छे से पिक कर रही हूँ और ब्लेंड कर रही हूँ धीरे धीरे। ध्यान रहे जो भी कलर आप पिक करें उसे बहुत अच्छे से ब्लेंड करनी चाहिए ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे। एंड फिर मैं एक एंगल ब्रश की मदद से डार्क ब्राउन आई शेडो को प्लेस कर लूँगी और अंदर की तरफ यानी कि इनवर्ड में पुल कर लूँगी और धीरे धीरे ब्लेंड करती जाऊँगी। इस तरीके से अगर आप करते हो तो आपका बिल्कुल भी हार्श लाइन नहीं दिखता है और बहुत स्मूथ फिनिश आता है और बहुत ज़्यादा डिफाइंड आउटर भी मुझे लगता है स्पेक्स के साथ बहुत कूल दिखेगा। इसलिए मैं आउटर वी की तरफ बहुत अच्छे से ध्यान दे रही हूँ और एकदम शार्प आउटर वी ड्रॉ किया, उसके बाद एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। वही सेम प्रोसेस आपको करना है दोनों आँखों में। मैं यहाँ पे ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई हूँ इसलिए इसके साथ अच्छा जा रहा है सिल्वर। अगर आप रेड ड्रेस पहनते हो तो आप पिंक के साथ भी यही चीज़ें ट्राई कर सकते हो, पिंक एंड ब्लैक और डार्क ब्राउन जो भी आपको पसंद है, और फिर उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से। नेक्स्ट मैं ड्रॉ करूँगी काजल। आई एम यूजिंग लैक्मे आइकॉनिक काजल। चश्मिश लुक के साथ बहुत ब्यूटीफुल आई लुक ही सबसे अच्छा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप चश्मा पहनते हो इसलिए आपका आई मेकअप कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप और भी अच्छे से आई मेकअप कर सकते हो और वो भी इस तरीके से ताकि सबका नज़र आपके आईज पर आए और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखे। इस तरीके से आप एक डिफाइंड आई लुक पा सकते हो। और फिर मैं अप्लाई कर रही हूँ आईलाइनर। यहाँ पे मैं ऑफ कोर्स एक विंग लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ और फिर मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा, क्योंकि मेरा स्पेक्स थोड़ा बड़ा है और बड़ा स्पेक्स के बाहर बहुत अच्छे से लैशेस अगर दिखेगा तो बहुत ब्यूटीफुल दिखेगा। हियर यू कैन सी। अब बारी आती है लिपस्टिक की। यहाँ पे मैं एक पीच कलर एंड पिंक कलर को ब्लेंड करके यूज़ कर रही हूँ एक लिप ब्रश की मदद से। आईज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूंगी इसलिए मैं लिप कलर थोड़ा सा हल्का और पेल रखूँगी, क्योंकि ये काइंड ऑफ ऑफिस मेकअप की है, क्योंकि कभी कभी ऑफिस पार्टी हो तो मैं इस तरीके से ही जाती हूँ। फिर मैं कॉन्टोर कर लूँगी अपनी फेस को, क्योंकि मेरी जो स्पेक्स है उसका शेप है स्क्वायर, तो स्क्वायर शेप की स्पेक्स के साथ कॉन्टोरिंग इज अ मस्ट। फिर मैं हल्का सा ब्लश अप्लाई कर लूंगी, ज्यादा नहीं बस लाइट, थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई कर लूंगी मैं, चीक पे ज्यादा कुछ अप्लाई नहीं करूंगी, हाइलाइटर ओनली ब्रो बोन पे करूंगी।
एंड नाउ माई लुक इज ऑलमोस्ट कम्प्लीट। सो हियर इज द लुक। ऑफकोर्स इसको ट्राई कीजिएगा, और अगर आपकी स्पेक्ट्स नहीं है तो आप कोई फ्रेंड को शेयर कर सकते हो जिसका स्पेक्ट्स है। लव फॉर यू फ्रॉम वी आई डी। एंड ऑफकोर्स सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट कनेक्टेड विद मी।